नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो अपूर्व बुलेटिन रही वर्तमान समय अनेक दमदार खबर ताप नजर पकेबा प्रथमे हेडलाइंस एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें नुआ खुलासा अर्गस हाथे सौम्यों चिठी विद्याभारती किसी भी करने को प्रस्तुत थी उल्लेख सेपटे आंबुलांस ड्राइवर को क्राइम ब्रांच पचराउचरा काहीकि ओडिशा रे काबूरे आसुनी कोरोना 11:30 रे मुख्यमंत्री को कोविड समीक्षा वर्तमान स्थिति और तृतीय लहर मुकाबला नहीं होई पर आलोचना कमुनी कोरोना मृत्यु पुणी अणस्तरी आक्रांत जीवन नेला महामारी खोर्धारु सर्वाधिक 26 मृत सेपटे 24 घंटा 1917 नुआ पॉजिटिव उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और तार आखपाख अंचल लघुचाप प्रबल वर्षा पर 23 जिला को येलो वार्निंग सका पारादीप सर्वाधिक 122 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड 27 आसुची आउ एक लघुचाप आज टोकियो खेल महाकुंभर शुभारंभ अपराह 4:30 हो उद्घाटन कोरोना कटका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मना 85 मेडाल इवेंट में लड़े भारतीय खेला टोक्यो ओलंपिक्स रे 6 ओडिया खेलाड़ी को उपरे नजर दौड़राणी दूती चांद पदक आशा रखुची देश खेलाड़ी को बेस्ट ऑफ लक कहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज महाप्रभु नीलाद्री विजय रत्न सिंहासन को फेरबे चतुर्धा मूर्ति सांगरे नहीं नथिबारु रोष करिसेंती मां महालक्ष्मी रसगोला खुआई मानभंजन करिवे कालिया सांत देख संपूर्ण खबर काहीकि ओडिशा रे काबूरे आसुनी कोरोना आ किसी समय पर 11:30 मुख्यमंत्री को कोविड समीक्षा वर्तमान स्थिति और तृतीय लहर मुकाबला नहीं आलोचना हुई पारे बैठक में मुख्य शासन सचिव उपमुख्य शासन सचिव प्रमुख उपस्थित रहिबे एथरे कोविड मुकाबला पर आगामी रणनीति प्रस्तुत करा किसी समय पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक राज्य में कोविड मृत्यु संख्या काहीकि नियंत्रण को आसुना एवं तृतीय लहर को किभली भाव मुकाबला करा से नहीं आलोचना होई पारे प्रस्तुति बैठक रे समीक्षा बैठक रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आ मात्र किसी समय पर अर्थात दिन 11:30 कोविड समीक्षा करेंगे जो थे मुख्य शासन सचिव उपस्थित रहिबे तसहित उपमुख्य शासन सचिव उपस्थित रहिबे दिव्यज्योति महांत्या प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना दिव्यज्योति खासकर समीक्षा बैठक में क्या आलोचना हो क्यों मैंने सब उपस्थित रहिबे इथरे देखो निश्चय अपूर्व बर्तमान समय तृतीय लहर जेहतु कहते अगस्त शेष सुधा तृतीय लहर आसी जाने तृतीय लहर कि प्रस्तुत रही ओडिशा के कौन दिग्वे प्रस्तुत करते स्वास्थ्य विभाग विश्व आलोचना कर सहित सबसे बड़ कथ हूँ राज्यर किसी जिले काईक संक्रमण कमुना से विषय विश्व आलोचना कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी रो संक्रमण गोटे प्लाटो स्टेज रहा सब अधिक चिंता बढ़ाई कारण आप देखु कलिकता दिल्ली मुंबई ये तमाम जो बड़ बड़ सिटी रही संक्रमण संख्या बहुत कमी जाती आम ओडार विशेषकर भुवनेश्वर राजधानी में कहीं संक्रमण संख्या कमुना 500 पाखापाखि रोच दिल्ली से आलोचना कौन नुआ स्ट्राटेजी करे कि संख्या को नियंत्रण एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी कि नहीं जदि ये संक्रमण कमेगा आम क्यों क्यों स्ट्राटेजी अपने लोक मान जीवन जीविका गुरुत्व दे आम संक्रमण कमे पार से मुख्यमंत्री आज समीक्षा करने जाते जो थे मुख्य शासन सचिव उपस्थित रहिए स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उपस्थित रहिए स्वास्थ्य विभाग तमाम वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित रहिए निज निज जो रही कार्यकलाप तार रिपोर्ट देते कोविड मुकाबला को नहीं आ किसी समय पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक जो थे मुख्य शासन सचिव उपमुख्य शासन सचिव प्रमुख उपस्थित रहिबे जो थे ओडिशा रे केमिति काबूरे आसिबो कोरोना ताकु ने मुख्यतः आलोचना करा जियो बोली सूचना आसुछि बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती हम प्रतिनिधि जे के ने पूरा अपडेट देउथले एससीएफ सौम्यरंजन डेथ मिस्ट्री अर्गस हाथरे एक्सक्लूसिव चिट्ठी पत्नी विद्याभारती चिठी पर अर्गस हाथ में लगला सौम्यरंजन हाथ तो लेखा चिठी ए चिठी सबू सौम्यरंजन फेब्रुआरी 22 और 23 तारीख लिखिंट एपरिक चिठी तारीख सौम्यरंजन निज चिठी स्त्री समस्त आवश्यकता पूरण करने को प्रतिश्रुति मुवल तुम खुशी चाहे तुम शिक्षागत योग्यता मोप कि नुहे
एपरिक मु विषय केबे भी किछि पचारिबि नाही बोली लेखिछंती सौम्य। चिठी को नहीं अधिक तदंत कर साइंटिफिक टीम। चिठीर स्पष्ट होउछि दुहिंक भितरे सबकिछि ठीक ठाक नथिला, किंतु समाधान पई प्रस्तुत थिले सौम्य। तो जितेंद्र बारिक हम प्रतिनिधि अच्छा सीधा सर नहीं चलु अधिक अपडेट पाई। जितेंद्र कौन अपडेट अच्छे आप पाखे वर्तमान समय निश्चित भाव अपूर्व आप देखुले दादा चित्र जहाँ डीएफओ को अणाई बासभवन कार्यस्थल अच्छा बर्तमान सीधा चलचित्र पुलिस अच्छा क्राइमब्रांच आउ किसी समय पर पहुँचे जहाँ सूचना रही क्राइमब्रांचर चारजिया टीम बालाखंडी पुलिस समस्ते उपस्थित अच्छा बर्तमान घटनास्थल में आम डीएफओ कार्यालय अच्छा दादा चित्र देख पाथे जहाँ पुलिस मैंने अच्छा क्राइमब्रांच अधिकारी पहुंचे चारजिया अधिकारी सेठे बासभवन खोल वनखंड अधिकारी घर सामने पहुंची सारी पुलिस एवं बेस किसी दिन धरी चर्चा होता है डीएफओ को कौन पर पचराउचरा कराऊना कौन पर मुख्य अभियुक्त थिबा सत्वे जेहेतु परिवार लोके बारंबार अभियोग करुछंती जे डीएफओ पत्नी विद्याभारती एभली कारनामा करिछंती षड्यंत्र रचिछंती विद्याभारती को जेरा करा जायछि किंतु डीएफओ को जेरा करा जाय नाही। तो तमाम चर्चार अवस्थान घटाई वर्तमान जहाँ सूचना आसी पहुँचुची सीधासलक चित्र आप देखुंट जितेन्द्र बारिक गजपतिरु आम प्रतिनिधि सीधासलक भिजुआल पहुँचाऊँच श्री संग्राम केशरी बेहरा वनखंड अधिकारी जी अच्छा सरकारी बासभवन वर्तमान पहुँची पुलिस पहुँची आ किसी समय पर क्राइमब्रांच अधिकारी पहुँचे। जितेन्द्र जानवा चाहूँ आज डीएफओ को जेरा कर हाँ हाँ निश्चित भाव अपूर्व गोटे कथा कहवाप सादा सादा चित्र आप देखा वनखंड अधिकारी बासभवन ठार् अणा जाए कार्यस्थल क्राइमब्रांच चारजिया टीम आखिणी पुलिस एस डी पीओ रामकृष्ण पति और आई आई सी विवेकानंद स्वाई आसवे यठा को बहुत पुलिस बहुत पुलिस कर्मचारी अच्छा वनखंड अधिकारी अच्छा जेरा करफिस् परिसर में जेरा करा सूचना रही है आमको क्राइमब्रांच टीम पहुँचा आपको सादा चित्र देखा चाहिए देखी पार्थे सीधा ताजा चित्र पूरा क्राइमब्रांच पुलिस प्रथम पुलिस पुलिस पालाखंडी पुलिस जे आय अच्छा से आय आय आसुच्चा पछ पचा एस डी पीओ रामकृष्ण पति एवं तास क्राइमब्रांच पुलिस आस बर्तमान कार्यालय परिसर पहुँची सारे आम आम प्रतिक्रिया ना एस डी पीओ रामकृष्ण पति प्रतिक्रिया नापर देखिए आप दादा चित्र देखुले बर्तमान कार्यालय स्थल को पहुँची सारे पुलिस एवं क्राइमब्रांचर चारजिया टीम को आसवे जहाँ सूचना रही एवं अधिक तदंत हो पुलिस पुलिस क्यों दिग तदंत कर समस्त नजर रही सारा ओडिशार समस्त नजर ये गोटे घटना उपर रही सब निश प्रतिक्रिया ना हाँ ठीक अच्छे एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आम डीएफओ को एग्जामिनेशन सर क्राइम ब्रांच टीम सहित अगर अच्छा बर्तमान अन्य इन्वेस्टिगेशन आउ गए पार्ट अच्छा निश्चित भाव में जहाँ कहते क्राइमब्रांच टीम अन्य कम अच्छा किसी समय पर क्राइमब्रांच टीम पहुँचे डीएफओ कार्यालय को परवर्त समय डीएफओ को जेरा कर आज ममता ममता पंडा गुरांडी ओ आई सी जी अच्छा जेरा कर कार्यक्रम रही तमाम घटना पर सारा ओडिशार नजर रही अपूर्व। तो डीएफओ कार्यालय में सीधा सल चित्र आम आप पहुंचाऊ पुलिस टीम पहुंची सारी बिग डे कहुच्छी सौम्य हत्या मामलार आज एवं बड़ दिन आज ही कहुच्छे जे क्योंटि ना क्योंटि डीएफओ को जेरा कर पुलिस आसी वर्तमान डीएफओ कार्यालय में पहुंची और क्राइमब्रांच टीम आउ किसी समय पर पहुंची पारे आकलन करपटे ममता राणी पंडा गुरांडी थाना आई सी को जेरा करपे आज पुलिस आज जेरा कर भूमिका कौन रही से क्योंपाई घटनास्थल उपस्थित थे आंबुलांस अटकवा नहीं गुरुतर अभियोग परिवार लोके एपटे डीएफओ कार्यालय सामनार चित्र जहाँ आम आप पहुंचाऊ प्रतिनिधि गजपति प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक सीधासलख चित्र पहुंचाऊ जे वनखंड अधिकारी कार्यालय सम्मुखें वर्तमान पुलिस पहुंची सारी बिग डे आज बड़ दिन आज वनखंड अधिकारी पचराउचरा डीएफओ को पचराउचरा जो अभियोग आसर ए संपृक्ति रही सौम्य मृत्यु मामलें जो अभियोग आणुंट सौम्य परिवार लोके सौम्य मृत्यु मामलें
डीएफओ और तांको पत्नी विद्याभारती दुई जन जाक मिसी षड्यंत्र कर सौम्यों हत्या करिछंती। डीएफओ ऑफिस रे पुलिस टीम पहुंची एपर्यंत क्राइमब्रांच टीम आ किछ समय पर पहुंचे बोली जा सूचना आसी पहुंचुची। तबे क्राइमब्रांच आगे सत कहे कि डीएफओ तो चारिजणिया पुलिस वर्तमान गजपति पुलिस टीम पहुंची और डीएफओ ऑफिस रे वर्तमान जहाँ कहुच आज ही जेरा कर डीएफओ को डीएफओ कौन कहे ये घटना को नहीं कौन स्पष्टीकरण रखुच्च क्लीयर कट जहाँ चित्र आसी पहुंचुची आम आपखे पहुंचाऊ डीएफओ कार्यालय सौम्य हत्या मामलें बड़ खुलासा आज हो पाए आज बिग डे कह बड़ दिन आज ही पुलिस प्रोआक्टिव अच्छी क्राइमब्रांच आउ कि समय पर डीएफओ ऑफिस पहुंची पाए एवं सेठारे पचराउचरा करा जिवा डीएफओ को जे घटना रे तांकर कौन संप्रक्ति रही सौम्यों परिवार लोके जा अभियोग आणुले केते सत विद्याभारती सहित संग्राम केशरी बेहरा जे कि डीएफओ अच्छा कौन संपर्क एवं सौम्यों सहित डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा पात्र अंतर करुले कि जाणीशुणी नाइट ड्यूटी पठाऊ कि जाणीशुणी अनेक दिन धरी बाहर को पठाऊ कि ये जो तमाम संगीन अभियोग आणुंट सौम्यों परिवार लोके ताकू दृष्टि रखी वर्तमान पुलिस पहुंची एवं तदंत प्रक्रिया आरंभ हो क्राइमब्रांच टीम आउ किसी समय पर पहुंच डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा केउठना के अड़ुआ बढ़िवार लगी आईन अड़ुआ जाल में वर्तमान संग्राम केशरी बेहरा छंदी होती कारण घटना को दस दिन बीतीता बेल एपर्यंत डीएफओ पाखे पुलिस न पहुंचा जेरा नक केउठना के लोकों भितर सन्देह बढ़ाईला जे डीएफओ चापरे पुलिस चेपा हो कि डीएफओ पाखे पुलिस पहुंची पार नहीं कि वरिष्ठ अधिकारी को हाथ करी हाथ बारिश कर डीएफओ केउठना के तदंत को बाटबणा करुँचे तमाम प्रश्न सामना को आसूला आज शेष में पुलिस टीम पहुंची डीएफओ कार्यालय सम्मुखें एवं आ किसी समय पर डीएफओ को जेरा करने सूचना आसी पहुंचुची। या पूर्व सौम्यों एक हाथ लेखा चिठी सामना को आसी अर्घ सतरे लगी जो थे से लिखिंट विद्याभारती किसी भी करने को प्रस्तुत एवं जहाँ भी संपर्क अच्छी जहाँ भी केउटा केउटी मनमालिन्य अच्छी ताकू दूर करने सौम्य जी आगभर थे चिठी प्रमाणित करुच्छी एवं सूचना से वर्तमान जहाँ पहुँचुची जे डीएफओ सौम्य डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा कार्यालय पहुँची पुलिस आ किसी समय पर पचराउचरा आरंभ कर पाए। तो राजधानी रे पानी समस्या को नहीं पानी जमुची एवं ड्रेनेज समस्या को नहीं जो भाई भाव समस्या सृष्टि होार अभिनव प्रतिवाद करुच्छे कांग्रेस तार चित्र आप देखुं दंगा उपरे कांग्रेस विधायक माने कांग्रेस कार्यकर्ता चिड़ाऊ एवं अभिनव ढंग से प्रतिवाद बीएमसी एनएसआई जो मैंने दायी एमान विरोध में अभिनव ढंग से प्रतिवाद करुच्छी कांग्रेस सुरेश राउतराय कांग्रेस वरिष्ठ नेता उपस्थित अच्छा जार चित्र आम आपखे पहुँचाऊ म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जो मेयर अच्छा ना कमिशनर संजय सिंह से म्युनिसिपालिटी की कौन सी प्रकार दृष्टि दौना चारिड़े पानी इस्कन पानी नयापल्ली पानी बरमुंडा पानी दारूटंग रसुलगढ़ में पानी पटियारे पानी गारकड़े पानी नयापल्ली पानी आमर जगमरा पानी सत्यनगर में पानी मालीसाई रे पानी सुंदरपदारे पानी कपिलेश्वर रे पानी ओल्ड टाउन रे पानी जमिकी रोचे आम पटस करने आज डंगारे बसचु समस्ते हे संजय सिंह तुरंत निष्कासन पानी निष्कासन व्यवस्था कर ताई मो डा पका चारे मशारे मलुणी आम डेगू हाई बापिला चारिड़े अपरिष्कार चारिड़े मैला गदियाई चारिड़े अपरिष्कार पड़ी तुरंत सफा करिया व्यवस्था कर ना म्युनिसिपालिटी घेरौ कराट आकार घेरौ कांग्रेस करमी से तौक सरकार दायी रे दास कह प्रमदे
तो राजधानी भुवनेश्वर सीधासलख चित्र आम आपरे पहुंचाऊ भाव ड्रेनेज समस्या सृष्टि होती जमुई लोके हैरान हरकत होती थे नुह बारंबार यह समस्या सामना को आसुची तार अभिनव उपाय प्रतिवाद करुच्छी कांग्रेस डंगे ड़ा होती कांग्रेस कार्यकर्ता सुरेश राउतराय कांग्रेस वरिष्ठ नेता और जटणी विधायक अच्छा रोशन रथ अच्छा प्रतिनिधि सीधासलख नहीं चलु अधिक सूचना रोशन अभिनव प्रतिवाद रे कांग्रेस रो सुरेश राउतराय को तो आम देखल आउ क्यों को माने शामिल अच्छा कौन दावी करा जाउछि देखो अपूर्व निश्चित भाव में भिजुआल आप देख पारे क्यों भाई भाव में वर्तमान राजधानी मास्टर कैंटीन रे डंगा पड़ी स्थिति रे ताकू प्रतिवाद करिया आज कांग्रेस अभिनव उपाय रे मास्टर कैंटीन छक उपरे एक डंगा रखिकी डंगा उपरे रही प्रतिवाद करछि कारण विभिन्न समय रे जेतेबेले भी देखा जाउछि राजधानी रो अनेक अंचल रहिछि जोठी सामान्य वर्षा हेले जलमग्न हो जाउछि डंगा चलिया भली स्थिति होउछि तेणु से सबू ताकू विरोध करी जेतेबेले 21 वर्ष सरकार हेलानी एवं खोद भुवनेश्वर रे एभली स्थिति देखिया को मिलुछि तेणु अन्य अंचल स्थिति कौन बा नई थी तेणु ताकू देखी वर्तमान प्रतिवाद कर चित्र आप देख पारे वरिष्ठ विधायक माने अच्छा छात्र अध घंटा है रास्ता ब्लॉक करी सेठी डंगा पके प्रतिवाद करा जाउची प्रतिक्रिया नवा हमें विधायकों कोठु सुराई काहे कि आज रे अभिनव प्रतिवाद चारियाडे पानी बेंगो मुतिले भोल चले पानी सब छकरे पानी नय पडे रे पानी इस्कन रे पानी दार पटिया रे पानी दार कोने पानी गोटे गोटे बर्षार उबुटुबु राजधानी सागर रे पानी ओल्ड टाउन रे पानी सुंदर पदार रे पानी कपड़ी प्रसाद रे पानी जागमरा रे पानी आमर भरतपुर रे पानी शिखरचंड रे पानी से उद्देश्य रे इलेक्शन कमिशन जो अच्छी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन संजय सिंह तुरंत निष्कासन व्यवस्था कर पानी नाली सफा कर रोड सफा कर मशा मरा औषध मरा डेंगू व्यापी गलानी ता नहले म्युनिसिपैलिटी विराट आकार घर कर सभापति मास्टर कैंटीन रे डंगा पड़ी आउ कोठी डंगा पड़िबो सभापति कहउछन्ति साथीए त कहू ना भाई कहउछन्ति साथीए त वार्ड रे पड़िबो डंगा जमती न खांती आम को सबसत्ता जगह डंगा तुरंत सप्लाई करंतु निश्चित भाव रे तो सीधासलख चित्र भुवनेश्वर मास्टर जहाँ विधायक पचीस हजार किणिकी पांच टाँग बिके पछले ना तो मो बस योजना करते तो मो डंगा योजनार सुविधा करने कांग्रेस तरफ दाबी करा मास्टर कैंटीन रे कांग्रेस तरफ डंगा पका जाए अभिनव प्रतिवाद कर राजधानी भुवनेश्वर जो भाई ड्रेनेज समस्या सृष्टि होती सामान्य मात्र वर्षा राजधानी उबुटुबु होती तेणु 60 रु अधिक जगार डंगा पकेबा दाबी करेस सुरेश राउतराय दावी करसहित केउटना केउटि मो डंगा कार्यक्रम बा योजनार राज्य सरकार राजधानी शुभारंभ करउछु एभली कटाक्ष करिछि कांग्रेस जार सीधासलख चित्र आम आपण पाखरे पहुंचाउछु तो पुणि थे नहीं चलु एसीएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला को नहीं जो घटना सामना को आसी गोटेपटे सौम्यों चिठी सामना को आसी पुणा चिठी जो थे सौम्य सीधासल लिखिंट जे विद्या भारती से किसी भी करने को प्रस्तुत ये चिठी सौम्यरंजन फेब्रुआरी 22 और 23 तारीख लिखिंट जितेन्द्र बारिक प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचनापी जितेन्द्र वर्तमान अपडेट कहतु जो पुलिस टीम तो पहुंची सारी डीएफओं कार्यालय जेरा केत एने किसी सूचना अच्छी निश्चित
ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଗତକାଲି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଗତକାଲି ଡିଆଇଜି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୁଖ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତା ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ ଗୁରାଣ୍ଡି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାନେ ଡିଏଫଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପାରାଖିଣ୍ଡି ପୋଲିସ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ। ଅପୂର୍ବ, ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ପୋଲିସ ହାତରେ କିଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି। ସନ୍ତୋଷ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ବିଗ୍ ଡେ, ବଡ଼ ଦିନ, ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଚିଠି ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଚିଠି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ନିସ୍ତାବେ ଅପୂର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡିଏଫଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଡିଏଫଓ, ଏ କଥାକୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ କେସ୍ର ଆୟୋଗ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 12 ତାରିଖଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଶିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାହେଉଛି। କେବଳ ଡିଏଫଓ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଡିଏଫଓଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଡିଏଫଓଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ, ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ଓଆଇସି ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଡିଏଫଓଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଠିକ 11 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାହେଉଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେରା ଚାଲିଛି, ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ କେସ୍ର ଆୟୋଗଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ସରିଥିଲା, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପରେ କେତେବେଳେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଡିଏଫଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଏଫଓଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁକାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେଦିନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟିବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ଡିଏଫଓ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକା ହୋଇଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା କଥା ଡିଏଫଓ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ି କେମିତି ପଠାଇଲେ ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ
जे कटक एससीबी नवापाई किए कही कहीं एमकेसीजी जिते बड़े ट्रांसफर होता रेफर कराइला एमकेसीजी को समरंजन को से किए कही एससीबी मेडिकल को नाप कहीं एपर्तंत एससीबी मेडिकल को नाप रेफर करा कौन प्रकार प्रमाण एपर्तंत स्पष्ट भाव में आसीपारे जोटि की आंबुलांस ड्राइवर कहि जे एससीबी मेडिकल जावाई निर्देश था तृतीय तापर कथा हूँ जे डीएफओं कार्यालय सामने कहीं गाड़ी अटकला और केते समय अटकला जो आंबुलांस ड्राइवर कहि पखापाखि 15 मिनिट समय मुझे अटकई थी जरूरी कागजपत्र किसी दरकारी जिनस आनेपाई निश्चित भाव ये तमाम दिग्वे डीएफओं को तदंत परिसरभुक्त हो पूर्व किभली संपर्क थी सौम्यरंजन को विद्याभारती से पूर्व किभली जाणी और गोटे बड़ अधिकारी तार तल कर्मचारी चिन्हावली सौम्यरंजन सह संपर्क थिला ना अन्य किसी संपर्क थिला ए कथार मध्य पुंगानुपुंख तदंत हो अपरपक्षे डीएफओं नाँ जो संगीन अभियोग आसी अर्थात जो अभियोग जे एसएम को बारंबार नाइट ड्यूटी पठाजा विभिन्न रेंज को पठाजा एवं सरकारी ऑफिस रो डॉक्यूमेंट रे अर्थात लॉगबुक रिकॉर्ड रे कौन अच्छी सौम्यरंजन को किभली भाव तदंत सामिल कराई सौम्यरंजन सहित डीएफओं किभली संपर्क थिला एवं सबू एसीएफओ मानू से भाव में ड्यूटी बंटा जाऊला ना केवल सौम्यरंजन ही किसी स्पेशल स्पेसिफिकेशन थिला ये संपर्कित तदंत अपेक्षा से समय को जितेबाला डीएफओ निज आड़ स्पष्टीकरण रखे पूरा तमाम पुलिस जहाँ सूचना आसी पहुंचुची जे डीएफओ कार्यालय रे पुलिस पहुंची जेरा करुथबा बेले आउ किछि समय परे क्राइम ब्रांच मध्य पहुंचिबो जेरा कराजबो सीधासलख चित्र आपण देखुछंती डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा को जेरा पई निया जाउची जार चित्र अर्गस रे आपण एक्सक्लूसिव देखुछंती समय सरी बुलेटिन केट रखु नमस्कार।